याद रखना है ये ससुराल नहीं है, क्या है? मायका है। ऑब्वियसली पता है मायका सबको पसंद है, इसलिए इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है। हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। इस चैनल पे आज हम फर्स्ट टाइम सोशल साइंस के चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी थी कि उनको इस चैनल पे अब सोशल साइंस के चैप्टर का डिस्कशन करना है, तो आज उनकी डिमांड पूरी होती है। क्या बात है सर। आज के इस लेक्चर में हम इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो आपका गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 है, उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ में इस चैनल पे आपको साइंस और सोशल साइंस के गाला पेपर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हम उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सारे के सारे गाला पेपर्स, मार्वल पेपर का डिस्कशन इस चैनल के ऊपर होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, सो देट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी यहाँ पे हम गाला पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस चैप्टर का नाम है इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे हमें ये आइडिया आता है कि हम यहाँ पे सबसे पहले मिनरल्स का डिस्कशन करने वाले हैं। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, कोल है, इन सब चीजों का डिस्कशन होगा। ये सारे के सारे मिनरल्स इंडिया में कहाँ पे अवेलेबल है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब चीजों का डिस्कशन होगा। मतलब कि ये साइंस के रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ पे जो हम थियोरी डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो आपने साइंस में स्टडी किया था उसके साथ वो प्रॉपर्टीज मैच होगी, उसके साथ ये चैप्टर मैच होने वाला है, तो इसकी वजह से आपको साइंस में भी बेनिफिट होगा। साथ साथ में हम यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का रिलेशन साइंस के साथ बहुत ज्यादा है। इन सारे टॉपिक्स का यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होने वाला है। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिमिटिव मैन वर लिमिटेड। किसको कहेंगे हम प्रिमिटिव मैन? तो आपको पता है कि ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व होके बने हैं, मतलब कि पहले होते थे चिंपैंजीज जो बाद में बन गए मैन, और जब इवोल्यूशन के बाद जो नए नए मैन बने उनको कहा जाता है प्रिमिटिव मैन। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करना है, मतलब कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, वही उनकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था। मतलब कि वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ही जीते थे। उनके पास ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, उनके अंदर कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि आज हमको नए कपड़े पहनने हैं, बाहर घूमने के लिए जाना है, फॉरेन टूर करना है, ऐसी कोई उनकी डिमांड नहीं थी। बस उनकी लाइफ का एक ही पार्ट था कि उनको जिंदा रहना है। और वो कैसे जिंदा रहते थे? तो ऑब्वियसली वो रहते थे फॉरेस्ट के अंदर, और फॉरेस्ट के अंदर उनको मिलते थे मिनरल्स जिसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थे। इसलिए मिनरल्स को कहा जाता है इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचर के थ्रू मिला है, किसी ने दिया नहीं है, ठीक है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, किसी मैन ने उसको बनाया नहीं है। ह्यूमंस जो है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होते गए। सबसे पहले जो एज थी जहां पे इंसान रहते थे वो एज को कहा जाता था स्टोन एज, फिर आई ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, फिर मॉडर्न एज, जिसको आज हम एटॉमिक एज भी कहते हैं। मॉडर्न एज को एटॉमिक एज भी कहा जाता है। शायद आपने ये ऐसा कैरेक्टर देखा होगा कार्टून में, मेरे टाइम पे एक कार्टून आता था फ्लिंटस्टोन्स जिसका नाम था, वहां पे स्टोन एज का डिस्कशन किया था कि उस टाइम पे कैसे ह्यूमंस जो थे वो स्टोन के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनकी जो लाइफ थी वो स्टोन के आजू बाजू में ही रहती थी, वो हमेशा स्टोन के घर में रहते थे, छोटा सा उनका घर होता था, इस तरीके से पूरा का पूरा कार्टून के अंदर उसका डिस्कशन किया गया है। साथ साथ में मिनरल्स आर कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमी वाइज डेवलपमेंट करनी है तो मिनरल्स को बैकबोन कहा जाता है। अगर किसी भी कंट्री को मिनरल्स का प्रॉपर यूज करना आता है, उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना आता है अर्थ में से,
तो वो कंट्री बहुत ही फास्ट डेवलप्ड होगी, अदरवाइज वो फिर डेवलपिंग कंट्री रहेगी। हमको पता है कि वर्ल्ड के अंदर अभी दो सुपर पावर्स हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है रशिया। क्यों ये वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बने? बिकॉज उनको प्रॉपर यूज करना आता है मिनरल्स का। ये ऐसी कंट्री है कि वहां पे मिनरल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल थे ही, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज करके अच्छे से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। हमारे कंट्री के पास भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रिजर्व्स हैं मिनरल्स के। मतलब कि हमारी कंट्री आपको पता ही है, डेक्कन प्लेटो आता है, ऊपर हिमालय जाता है, गंगा रिवर है, हमारे पास डेजर्ट्स भी है, नॉर्थ ईस्ट के साइड में बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट भी है। दैट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से हम मिनरल्स को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इसलिए जो कंट्रीज बहुत ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाती है वो बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाती है, और जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख रही है वो अभी डेवलपिंग कंट्री रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा पार्ट आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज मिनरल? तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। द मैटर विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस। इनऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब होता है नॉन लिविंग प्रोसेसेस। यहाँ पे किसी भी एनिमल या तो ह्यूमन का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी मैटर जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस की वजह से बना है और उसका सर्टेन केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कि वहां पे उसका केमिकल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, उस मैटर को हम कहते हैं मिनरल। साथ साथ में इनऑर्गेनिक प्रोसेस को एबायोटिक प्रोसेस भी कहा जाता है, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में हुई थी फॉर इनफाइनाइट ईयर्स तक, करोड़ों साल तक हमारे अर्थ के इंटीरियर में ऐसी बहुत सारी एबायोटिक प्रोसेसेस हुई थी, यानी कि इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस हुई थी जहां पे मिनरल्स फॉर्म हुए थे। कौन से फॉर्म में हुए थे? तो सॉलिड के फॉर्म में मिनरल्स बने, लिक्विड के फॉर्म में बने और साथ साथ में गैसेस के फॉर्म में बने, और जो अर्थ के इंटीरियर में रॉक्स है वहां पे वो ट्रैप होने लगे, मतलब कि वहां पे वो फॉर्म होने लगे। उनका केमिकल कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहा, साथ साथ में वो होमोजेनियस नेचर के थे, उन सब चीज को हमने बाद में कह दिया मिनरल्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको दो डेफिनेशन गिवन है, लेकिन अगर आप ये पहली वाली डेफिनेशन याद रख लोगे तो आपके लिए ये सफिशियंट रहेगा। कौन कौन से सॉलिड के फॉर्म में मिनरल्स मिले? तो वो थे आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ सॉलिड फॉर्म में मिला। फिर लिक्विड फॉर्म में मिला मर्क्यूरी और पेट्रोलियम, और गैस के फॉर्म में हमें मिला नेचुरल गैस। अब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इग्नियस रॉक्स में फाउंड होते हैं, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो वो है आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में से मिलते हैं, जिसका आंसर होगा डायमंड। तो ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको अभी के अभी लर्न कर लेना। अब हम वन बाय वन डिफरेंट मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं आयरन ओर के बारे में, मतलब कि आयरन ऑब्वियसली एक इम्प्योर सब्सटेंस में से मिलता है जिसको कहा जाता है आयरन का ओर, मतलब कि आयरन का कंपाउंड होता है, उसमें से हम निकालते हैं प्योर फॉर्म में आयरन। मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट ओर की पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखाता रहूंगा, सो दैट आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि अगर इम्प्योर फॉर्म में आयरन है उसके ओर के फॉर्म में है तो वो कैसा दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर इमेज से आइडिया आ चुका होगा कि इस तरीके से आयरन का ओर दिखाई देता है। अब आयरन एक ऐसी चीज है जो छोटे से छोटा जो हम पिन बनाते हैं उसमें भी यूज होता है, और बड़े से बड़े मशीन्स हो गए, कार्स है, ट्रक्स है, शिप्स है, रेलवेज है, ब्रिजेस है, हर चीज के अंदर आयरन यूज होता है। मतलब कि कह सकते हो कि हम आयरन से घिरे हुए हैं। आपके जो क्लासरूम के बेंचेस होंगे वहां पे भी आयरन का यूज होगा,
आपके घर के अंदर अलमारी होगी, वहां पे भी आयरन का यूज है। हम जो व्हीकल यूज करते हैं वहां पे भी आयरन है। क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज वो चीपर है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्कशन करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी गिवन है, तो यहाँ पे आपको साइंस वाला पार्ट भी पता चल जाएगा। अब आयरन को कैसे हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? तो जब भी हमें वो इनप्योर फॉर्म में मिलता है तो हम वहां पे उसको कोक के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कोक का मतलब होता है कार्बन, उसके साथ मिक्स कर देते हैं, साथ साथ में लाइम को ऐड करते हैं, मतलब कि क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और उसको हीट कर देते हैं बड़े से बड़े फर्नेस के अंदर। जैसे आप लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर देखा होगा कि तंदूरी रोटी बनाते हैं तो उसको फर्नेस ही कहा जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे लार्ज साइज का फर्नेस होता है जो रिफाइनिंग करता है। रिफाइनिंग का मतलब इम्प्योरिटीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है, और बाद में जो प्योर फॉर्म में आयरन मिलता है उसको हम कहते हैं पिग आयरन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। अब आयरन के टोटल 4 ओर्स होते हैं, जैसे कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। ये 4 ओर्स आपको याद रखने हैं। अगेन 1 मार्क का सबसे IMP क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में आपको मैप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस चैप्टर में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का मैप के लिए। तो उसके लिए आपको जो है स्टेट्स याद रखने होते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट ओर्स जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप लोग एटलीस्ट 1 या 2 स्टेट याद रख लोगे तो आपके लिए वो सफिशियंट रहेगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि आयरन ओर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है तो आप लोगों को याद रखना है कर्नाटका। तो एक स्टेट आप लोग ये याद रख लेना जो आपके लिए सफिशियंट होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज एक ऐसा मेटल है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत बार यूज किया जाता है, साथ साथ में केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, ड्राई बैटरी सेल्स बनाने में और टाइल्स बनाने में भी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। साथ साथ में लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, चाइना के लिए यूटेंसिल्स बनाना हो गया, और कलर्ड ब्रिक्स, इन सब के अंदर मैंगनीज का यूज किया जाता है। जब भी रेलवे ट्रैक्स बनते हैं तो वहां पे ये लोग आयरन के अंदर मैंगनीज को मिक्स कर देते हैं सो दैट वहां पे वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। बिकॉज आपको पता है कि बहुत हैवी ट्रेन होती है, अब उसको आयरन के रेल के ऊपर से ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली वहां पे आयरन के रेल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मैंगनीज को ऐड करते हैं। साथ साथ में स्टेट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि उड़ीसा, कर्नाटका, MP और गोवा, ये 4 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मैंगनीज के। अब हम डिस्कशन करते हैं कॉपर का। कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो प्रिमिटिव टाइम से हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि बहुत पुराने साल से, फ्लिंटस्टोन्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम से हम इसको यूज कर रहे हैं। ये फर्स्ट मिनरल था जो किसी मैन ने यूज किया था। ये आप लोगों के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसको मैं MTP कहता हूँ। MTP का मतलब मैं तो पूछूंगा, अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाऊंगा तो MTP यानी कि मैं तो पूछूंगा अगर पेपर सेटर होऊंगा तो याद रखना है कि सबसे पहले कॉपर यूज किया था प्रिमिटिव मैन ने। साथ साथ में बेल मेटल बनाने के लिए, आपके स्कूल के अंदर वो मेटल का बेल होगा तो उसको बनाने के लिए ये लोग जो है वो कॉपर के साथ टिन को मिक्स कर देते हैं, और ब्रास को बनाने के लिए कॉपर के साथ जिंक को मिक्स किया जाता है। ये आप लोग याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रास कब बनता है, तो कॉपर को जब हम जिंक के साथ मिक्स करें तब, और बेल मेटल कब बनता है तो जब हम कॉपर के साथ टिन को मिक्स करें तब। अब कॉपर को कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, तो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, ऑब्वियसली वायर्स जो बनाते हैं उसके लिए,
टेलीफोन के अंदर यूज किया जाता है, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब जगहों पे हम जो है कॉपर का यूज करते हैं, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ में इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, कलर्ड के ग्लास हो गए, कॉइंस हो गए, प्रिंटिंग में हर जगह पे यहाँ पे कॉपर को हम यूज करते हैं। अब कॉपर कहाँ पे सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो आपको 3 states याद रखने पड़ेंगे, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। देखो स्टेट्स तो एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को लर्न ही करनी पड़ेगी, रट्टा ही मारनी पड़ेगी, अदरवाइज आप जो है बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं ला पाओगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल आता है बॉक्साइट, ठीक है, इसको एल्यूमिनियम ओर कहा जाता है। बॉक्साइट मतलब कि होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें से हम प्योर एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं। ये सबसे पहले हमें फ्रांस में मिला था, फ्रांस के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लेस बॉक्स, वहां पे सबसे पहले मिला था इन 1921। तो ये बॉक्स इसलिए यहाँ पे वर्ड बन गया बॉक्साइट, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम का वेट बहुत ही लेस होता है, ये साथ साथ में स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबल भी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं होता, साथ साथ में बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है, यानी कि हम उसको कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको यूज करते हैं हमारे यूटेंसिल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने के लिए, कलर्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, और शिप्स बनाने के लिए भी हम बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, तो हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात। जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, जहाँ पे डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, वहां पे ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और आपको पूछे कि गुजरात के अंदर कहाँ पे है, तो आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है वो याद रखने हैं, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत और साबरकांठा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल आता है माइका, याद रखना है ये ससुराल नहीं है, क्या है, माइका है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन, ये 1 mark में बहुत बार आ चुका है, इवन फिलिंग द ब्लैंक्स में ये लोग पूछ लेते हैं कई बार कि माइका प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का रैंक क्या होगा, फर्स्ट। ऑब्वियसली पता है माइका सबको पसंद है, इसलिए इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है। सो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये फायर रेजिस्टेंस है, मतलब कि आग नहीं लगती, और साथ साथ में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर इसका यूज होता है, डायनेमो बनाने के लिए। डायनेमो क्या होता है, एक टाइप का जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर रेडियोस के अंदर, टेलीफोन के अंदर, कार्स हैं, स्टीमर्स हैं, इन सब जगह के अंदर माइका का यूज होता है। और इसके स्टेट भी आप लोग याद रख लोगे, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये सारे के सारे मेजर माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर नया मिनरल है हमारा लेड, जिसका ओर होता है गैलेना, जिसको हम PbS कहते हैं, ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। अब क्यों हम इसको यूज करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका जो वेट है वो हैवी होगा। इसको यूज किया जाता है एलॉयज बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, कलर्स में भी इसका यूज करते हैं, वेपन्स में, ग्लास, रबर और बैटरी के अंदर भी इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कैथोड एनोड बनाते हैं, ठीक है, बैटरी के अंदर, तो उसके अंदर भी लेड का यूज किया जा सकता है। अब कौन कौन से स्टेट्स हमें याद रखने हैं, तो 3 states हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये 3 states आप लोग याद रख लेना। लेकिन देखो माइका को अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना कि हमारे पास जो माइका है उसको अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा माइका चाहिए, पसंद है। अब लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था साइंस के अंदर, जिसको हम यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर।
साथ साथ में आयरन को अगर मेल्ट करना है, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, सोडा ऐश हो गया, सोप हो गया, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ये सारे यूजेस आपको साइंस के अंदर ज्यादा काम में आएंगे, यहाँ पे उतना याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। हाँ, स्टेट्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, जो है हमारे कंट्री का 70% जितना लाइमस्टोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो ये मिलेगा आपको जामनगर, कच्छ, अमरेली और खेड़ा के अंदर। और जो जामनगर के अंदर जो हमें मिलता है लाइमस्टोन, उसके अंदर लाइम का कंटेंट, लाइम मतलब कि कैल्शियम का कंटेंट, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, उसका कंटेंट 97% जितना होता है। ये अगेन एमटीपी वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि मैं तो पूछूंगा अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनकी वजह से हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। कौन कौन से मिनरल्स को हम एज एनर्जी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिया है, जैसे कि कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है एंड एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स का मतलब हो गया यूरेनियम, ये आप लोगों को याद रखना है, थोरियम, प्लूटोनियम, ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एटॉमिक एनर्जी मिलती है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रख लेना। अब जो आपको 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। आप लोगों ने ये वाला टॉपिक लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। आपको पता ही है कि यहाँ पे हम जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसको मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, फिर आता है रिन्यूएबल और बाद में आता है नॉन रिन्यूएबल। क्या होता है ये सब कुछ तभी हम देखते हैं, जैसे कि कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है और एटॉमिक मिनरल्स है, इनको कन्वेंशनल कहा जाता है। कन्वेंशनल का मतलब कि जो हम बहुत सालों से ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। साथ साथ में कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं, क्यों? बिकॉज इन सारे रिसोर्सेज का मार्केट के अंदर सेलिंग होता है, मतलब कि ये बेचे जाते हैं, हम ये सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इसलिए इसको कमर्शियल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। साथ साथ में ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ कि एक बार इनका अमाउंट खत्म हो गया तो बाद में वो हमें नहीं मिलेंगे। एक बार हमने कोई पर्टिकुलर कोल को यूज कर लिया, उसको बर्न कर लिया, तो वही कोल को हम वापस से यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि पेट्रोलियम है, ठीक है, डीजल है, वो नेक्स्ट 30 से 40 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा, फिर हमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल, हम उसको रिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अपना डेटा प्लान जो है एवरी 30 डेज या एवरी 90 डेज रिन्यू करवाते हैं, वैसे हम इसको वापस रिन्यू नहीं करवा पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे ही बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी, इनको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब कि इसका यूसेज जो है वो रिसेंट टाइम में स्टार्ट हुआ है, लास्ट 20 ईयर्स में हमने इसको बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज करने का स्टार्ट किया है। पहले हम यूज नहीं करते थे बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इसलिए हम इन सारे एनर्जी रिसोर्स को यूज कर पाते हैं और इसलिए इनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि विंड एनर्जी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, हाइड्रो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, ये चीजें बार बार रिन्यू होती रहती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। साथ साथ में पीट कोल, फायरवुड और डंग, इन सबको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल यानी सॉरी नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम ये जानते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे
वो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेस कैसे डेवलप हुए, कहाँ से वो प्रोड्यूस हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट टाइम्स में अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता था। वेजिटेशन का मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी, ट्रीज और फॉरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर होती है वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मूवमेंट्स का मतलब बहुत सालों तक अर्थक्वेक आते रहे। अर्थ के नीचे की जो प्लेट है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, वो वाइब्रेट होने लगती है, यानी कि सालों तक अर्थक्वेक आते रहे। वो अर्थक्वेक की वजह से जितना भी वेजिटेशन था वो अर्थ के नीचे यानी कि इंटीरियर में चला गया। अब आप लोगों को पता ही है कि अर्थ के इंटीरियर में हम जाएंगे तो वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा। तो उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वेजिटेशन जो है वो डीकम्पोज होने लगता है और वहां पे कार्बन का अमाउंट बढ़ने लगता है, और कार्बन का अमाउंट बढ़ जाता है दैट मीन्स वहां पे कोल प्रोड्यूस होने लगता है। तो इस तरीके से वहां पे कोल बनने लगा और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहा जाता है कार्बोनिफेरियस पीरियड। ये जो कोल बनने की जो प्रोसेस थी वो 25 करोड़ ईयर्स तक हुई। सोचो कितना ज्यादा टाइम है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार ये रिसोर्सेस खत्म हो गए तो बाद में मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब धीमे धीमे कोल का यूसेज बढ़ने लगा। कब बढ़ा? तो जब भी स्टीम इंजिन बनने लगे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्ली 1900s की, तो वहां पे स्टीम इंजिन बनने लगे। इसकी वजह से वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में भी कि स्टीम इंजिन दिखाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हिंदी मूवीज है जैसे कि गद्दर हो गया, अगर आपने पार्ट वन देखा होगा तो वहां पे स्टीम इंजिन का यूज किया था मूवी के अंदर, ठीक है। तो वो सब कुछ जो है कोल के ऊपर डिपेंडेंट होता था, उस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन। रेलवेज के अंदर, स्टीमर्स के अंदर भी कोल को वो लोग यूज करते हैं। अब कोल जब हम बनाते हैं या तो कोल जब हमें मिलता है तो उसके साथ साथ हमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कोल टार, एमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल। ये वर्ड्स जो है ना आप लोगों को एज इट इज याद रख लेने हैं, इसमें ज्यादा लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है। और कोल जो है वो हमें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में से मिलता है, और कोल के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एंथ्रासाइट कोल, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। फिर ब्यूटिमिनस कोल, जो उससे थोड़ा लोअर ग्रेड का है। फिर उससे कम ग्रेड वाला लिग्नाइट कोल होता है। और पीट कोल, जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड का कोल है, वहां पे सबसे कम कार्बन का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन कोल रिजर्व्स। इसका मतलब कि इंडिया के अंदर कोल कहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो ये स्टेट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर कच्छ, भरूच, मेहसाणा, भावनगर एंड सूरत, इन सब जगह पे कोल की फील्ड्स मिलती है। और गुजरात के अंदर आपको पूछे कि कौन से टाइप का कोल मिलता है, तो आप लोग याद रखोगे कि लिग्नाइट कोल मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा जो एनर्जी रिसोर्स है वो है मिनरल ऑयल। अब समझना यहाँ पे क्या होता है। जो पर्टिक्युलर प्लांट्स जो सॉलिड फॉर्म में, कोल के फॉर्म में नहीं बन पाए, वो लिक्विड के फॉर्म में ही रह गए। कह सकते हो कि जो प्लांट्स कोल नहीं बन पाए वो बन जाते हैं मिनरल ऑयल। और आप लोगों को पता ही है कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होती है, इसलिए वो जो पर्टिकुलर ऑयल है वो कोल के ऊपर फ्लोट करने लगता है, और वो पर्टिकुलर ऑयल को हमने कह दिया मिनरल ऑयल। और ये जो मिनरल ऑयल है वो हमें मिलता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में से, जिसके अंदर लाइमस्टोन भी होता है। तो जैसे कोल बना था वैसे ही मिनरल ऑयल बना है, बस डिफरेंस क्या है, तो कोल जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे मिलता है और मिनरल ऑयल जो है वो उसके ऊपर मिलता है। ऑयल को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू कोल। अब
इंडिया के अंदर सबसे पहला ऑयल वेल कहाँ पे मिला था, ये बहुत बार आप लोगों को वन मार्क में पूछा गया गुजरात बोर्ड के अंदर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1866 में आसाम के अंदर इंडिया का फर्स्ट ऑयल वेल मिला, मतलब कि वो वेल में से हमने ऑयल को निकाला। इसके बाद 1867 में आसाम के अंदर ही एक जगह है माकुम, वहां पे भी ऑयल वेल मिलती है। और बाद में हमने वो जितने भी ऑयल फील्ड्स है इंडिया के अंदर उसको हमने 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में भी ऑयल फील्ड्स है, गुजरात में भी है, बॉम्बे हाई में भी है, ईस्टर्न कोस्ट में भी है और राजस्थान में। तो ये मेन 5 टाइप्स की ऑयल फील्ड्स है जहां से हम मिनरल ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। और गुजरात के अंदर बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें ऑयल की फील्ड मिली। सबसे पहले जो जगह का नाम है वो है लोनेज, जो खेड़ा में आता है, जो अभी एक्चुअल में आणंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और हमें मिला था ये गुजरात का ऑयल फील्ड 1958 में, ये पर्टिकुलर ईयर आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा गुजरात के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी नेम आपको गिवन है यहाँ पे, तो वो आप लोग याद रख सकते। अब हमें जो मिनरल ऑयल मिलता है अर्थ में से वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। वो इम्प्योरिटीज को निकालने का जो काम है उस चीज को कहा जाता है रिफाइनिंग, मतलब कि फैक्ट्रीज होती है जो पर्टिकुलर मिनरल ऑयल में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है और प्योर मिनरल ऑयल में उसको कन्वर्ट करती है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोकेशंस है जहाँ पे ये मिनरल ऑयल रिफाइनरीज प्रेजेंट है, जैसे कि गुवाहाटी, बरूनी, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया। और पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो गुजरात के जामनगर में है, आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सबसे बड़ी वर्ल्ड के अंदर जो रिफाइनरी है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली हम बात करें तो गुजरात के जामनगर में प्रेजेंट है। अब मिनरल ऑयल के बाद हम डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, तो अगेन पहले कोल बना, कोल के बाद जो कोल नहीं बन पाए वो मिनरल ऑयल बन गए, और जो मिनरल ऑयल नहीं बन पाए उसको हम कह देते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस आपको पता ही है कि वो चीपर होता है, नॉन पॉल्यूटेंट, मतलब कि वहां से कोई पॉल्यूशन रिलीज नहीं होता। हमारे कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जहां से हमें डायरेक्टली नेचुरल गैस मिल जाता है, जैसे कि खंभात का बेसिन हो गया, कावेरी रिवर का बेसिन हो गया और जैसलमेर, ये डिफरेंट लोकेशन से हमें नेचुरल गैस जो है वो मिल जाता है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर जो अंकलेश्वर है वहां पे सबसे लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिजर्व प्रेजेंट है, ये पार्ट भी आप लोग याद रख लो। अब हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लिया, अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कि जिसका यूज अभी हमने रिसेंट टाइम में स्टार्ट किया है। एग्जाम्पल आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होने वाले, इसलिए इनको कहा जाता है इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे अभी इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स यूज नहीं करते, अभी वहां पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, जैसे कि US, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, जापान, ये बहुत ही ज्यादा एडवांसिंग कंट्रीज हैं इन फील्ड के अंदर। ठीक है, और 1981 में इंडिया ने एक पर्टिकुलर कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो इन सब एनर्जी को किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में गाइड करती है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर भी एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको गीडा भी कहा जाता है,
जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि कैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को हम बेटर वे में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है आपको ऑलरेडी पता है, ये सब कुछ आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, जो हमें डायरेक्टली सन से मिलती है। उस सोलर एनर्जी का हम यूज करते हैं सोलर कुकर के अंदर कुक करने में। साथ साथ में आपने देखा होगा कि सोलर वाटर हीटर भी आते हैं, और सोलर पैनल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम अमाउंट में सोलर एनर्जी पूरे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करता है, और इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गेड़ा, उसने बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में सोलर स्टोरेज प्लांट्स बना के रखे, मतलब कि ऐसे सोलर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कहाँ पे है, तो एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बताया जो वडोदरा के पास है चन्नी वाले रीजन में, जिसकी कैपेसिटी है 10 टन जितनी। अब सोलर पैनल्स को आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रोड साइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। साथ साथ में ऐसे विलेजेस जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, वहां पे हम सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। साथ साथ में हम इरिगेशन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहां पे भी सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं। टीवी देखने के लिए भी सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो यूज कर सकते हैं। फिर अ सोलर एनर्जी प्लांट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट माधोपुर नियर भुज इन गुजरात फॉर डीसेलिनेशन ऑफ सलाइन ओशियन वाटर। सलाइन ओशियन वाटर का मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो उसमें से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए वहां पे सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया है। कहाँ पे, तो माधोपुर के पास, जो भुज के पास पड़ता है। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी आप लोगों को पता ही है कि जब विंड फ्लो होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी। ये स्पेसिफिकली कहाँ पे मिलेगी, तो विंड मिल्स जो है वो सी के कोस्ट और ओपन स्पेस में रखे जाते हैं। ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे विंड की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है, वहां पे अगर हम ये विंड मिल लगाएंगे तो उसका यूज हम कर सकते हैं बाद में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए इंडिया का रैंक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में 5th कंट्री है जो पर्टिकुलर विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ये जो विंड मिल्स है वो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, एपी, ये सारे स्टेट्स आप लोगों को याद रख लेने हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो एक लांभा विलेज आता है जामनगर के पास, वहां पे है, और साथ साथ में मांडवी जो कच्छ के पास आता है, वहां पे भी लार्ज अमाउंट में आप लोग विंड मिल्स देख सकते हो। इसके अलावा देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में भी विंड मिल्स को एस्टैब्लिश किया गया है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो एनर्जी रिसोर्स आता है वो है हमारा बायोगैस। बायोगैस कैसे बनता है, तो एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, काउ डंग है, एग्रीकल्चर का मटेरियल हो गया, शुगर केन का वेस्ट हो गया, ये सब कुछ जब डीकम्पोज होता है उसको हम जानबूझ के डीकम्पोज करवाते हैं। एक पर्टिकुलर अर्थ के अंदर हम गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर इन सारी चीजों को स्टोर किया जाता है, और एटलीस्ट 3 to 4 मंथ में वो जब वेस्ट डीकम्पोज होता है तो वहां पे गैस बनती है। वो गैस को कहा जाता है बायोगैस, और वो गैस का अगर आपको कोई टाइप पूछे तो वो होती है मीथेन गैस, जो आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे बायोगैस को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, और बाद में जो पर्टिकुलर पार्ट जो है वेस्ट का जो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसको हम बाद में फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर 2 स्टेट्स का नाम याद रखने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश 1st रैंक पे आता है और बायोगैस प्रोडक्शन, और गुजरात 2nd रैंक पे आता है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इंस्टॉल्ड है
मेथन नाम की एक जगह है जो सिद्धपुर के पास आती है, जो इंडिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट वहां पे है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब समझना, हमें पता है कि अर्थ का जो कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब जब भी वाटर वो पर्टिकुलर कोर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, और वो स्टीम जो है वो बाद में फाउंटेन के फॉर्म में अर्थ में से बाहर आती है, और उस एनर्जी को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब अर्थ हो गया और थर्मल का मतलब हीट हो गया, मतलब कि जो एनर्जी हम यूज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ हाई टेम्परेचर, उस एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो हमें गीजर्स यानी कि फाउंटेन वाटर और हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में वहां से मिलता है। अब जब भी ये पर्टिकुलर पार्ट बाहर आता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस वेपर एक्सर्ट अपवर्ड हाई प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर विच रिलीजेस एनर्जी। बाय यूजिंग दिस एनर्जी द जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन, और गुजरात के अंदर ऐसी जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है वो लसुंधरा, उन्नई, तुवा एंड तुलसी श्याम, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका पूछने का बहुत कम चांस है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन याद रख लोगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आती है वो है हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी ऑब्वियसली आपको पता ही है कि डे टाइम में और नाइट टाइम में हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स बनते रहते हैं ओशियंस में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ एंड बिटवीन सन एंड सॉरी एंड अर्थ एंड मून, तो उसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड जो एनर्जी मिलती है उसको हम कह देते हैं टाइडल एनर्जी। वो टाइडल एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इस तरीके से यहाँ पे टर्बाइन्स और जनरेटर कनेक्टेड होते हैं। आपको पता है कि जब भी वाटर फ्लो करेगा तो वो टर्बाइन रोटेट होता है, और वो टर्बाइन के साथ कनेक्टेड होता है जनरेटर जो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगेन ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ये सब कुछ आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी साइंस की लास्ट ईयर की वहां पे ये सब कुछ पूछा जाता था साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज ये एग्जाम में तो वैसे भी पूछा नहीं जाता। अब सबसे पहले टाइडल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो 1910 फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, जहां पे उन्होंने उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस की थी। अब गुजरात के अंदर भी ये टाइडल एनर्जी यूज की जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में और गल्फ ऑफ खंभात में, बस ये लोकेशन याद रखनी है। आप लोगों को ये पर्टिकुलर एनर्जी कैसे ऑप्टेन की जाती है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, उस वो एनर्जी को गुजरात में या तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो ही आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज ये आपके लिए एसएस का पार्ट है, साइंस का कोई पार्ट नहीं है। अब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं और हमारा लास्ट टॉपिक आ चुका है मिनरल प्रिजर्वेशन। मिनरल प्रिजर्वेशन का मतलब कि हम यहाँ पे मिनरल्स को कैसे प्रिजर्व यानी कि बचा के रख सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि इन सब मिनरल्स का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, कुछ टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए मिनरल प्रिजर्वेशन करना जरूरी है। किस तरीके से कर सकते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स जिसको रेमेडीज कहा जाता है वो आप लोगों को 3 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को याद रखना है यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी तो वो पर्टिकुलर रिसोर्स का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और उसका जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, हम रिसाइकल कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास आयरन है जो स्क्रैप में जा चुका है, मतलब कि उसका हम यूज नहीं कर सकते, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टिन है, ये सारे के सारे मिनरल्स हम उसको रीयूज कर सकते हैं
सो दैट फ्यूचर में जो है वो एग्जॉस्ट ना हो। साथ साथ में हमें ढूंढने चाहिए अल्टरनेट यूज ऑफ मिनरल्स। हमें पता ही है कि आगे जाके हम जैसे कि पेट्रोलियम और डीजल खत्म हो जाएंगे, तो उसके अल्टरनेट क्या है, मतलब कि वो जब खत्म हो जाएंगे तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी, जिसका हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। फिर हम एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं कॉपर की जगह पे, और सीएनजी को यूज कर सकते हैं पेट्रोल की जगह पे। दैट मीन्स हमें अल्टरनेट यूज ढूंढने हैं ये पर्टिकुलर मिनरल्स के। साथ साथ में वही चीज वापिस रिपीट हो रही है, दैट इज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स, मतलब कि कन्वेंशनल सोर्सेस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, जो नॉन कन्वेंशनल है उसका बेटर वे में यूज करना है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे कि वाटर का यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, सोलर का यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी, विंड का यूज करके, फिर बायोगैस का यूज करके। तो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहना है जो हमारे नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यूएबल है। फिर हमें सोचना है सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम ये मिनरल्स को यूज करेंगे तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर कोई हार्म नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर जनरेशन को भी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत है। और लास्ट में हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये पर्टिकुलर जो हमारे पास मिनरल रिजर्व्स है वो कितने सालों तक चलेंगे, उसका हमें प्लानिंग करना है। सो दैट हमें एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि ये पर्टिकुलर ईयर्स तक हम ये मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, तो उससे पहले हमें उसके अल्टरनेट रिसोर्सेज जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट आप लोगों को कौन सा SST का चैप्टर सीखना है उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।